क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं, किस मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए, अपने बेबाक अंदाज के लिए नवीन जैन जाने जाते हैं? देखिए यमुनानगर सभी पत्रकार साथियों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी गर्मी में आप लोग आए। यमुनानगर आने का मकसद ये था कि यमुनानगर के जो ब्राह्मण थे उनको बताना, उनको न्योता देने के लिए, और जो 36 बरादरी के लोग हैं उनको न्योता देने के लिए आया था। 22 तारीख को, रविवार को, 22 मई को रोहतक के अंदर भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है, और उसी ज़मीन के ऊपर जिस पर सरकार ने कब्जा कर लिया था। तो पूरे हरियाणा से 1001 प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचेंगे, फरसा लेके और ईंट लेके। ब्राह्मणों की जो ज़मीन थी, 2009 का मामला आप लोगों को पता होगा, ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। सरकार की तरफ से अब लेटर आया है कि 8 करोड़ रुपए जमा करा दो, 8 करोड़ 86 लाख अपनी ज़मीन ले लो। तो ब्राह्मणों से ब्याज मांग रही है सरकार। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना था, वहाँ कोई कमर्शियल यूज थोड़ी है, लेकिन सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। सरकार ये चाह रही है कि भाई हम ज़मीन ना दें, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ सरकार को, पहले भी कहा था ब्राह्मणों की ज़मीन की तरफ देखा तो सरकार को उसी ज़मीन में गाड़ देंगे। FIR की गई है हमारे खिलाफ कि बुलडोजर से निगम का बोर्ड तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा, 100 बार तोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको मैं न्योता देने के लिए आया हूँ, 36 बरादरी के नौजवान साथियों को, सबके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, तो भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा, अयोध्या में राम मंदिर, रोहतक में परशुराम मंदिर बनेगा। और ये सरकार पूरी तरह से हर तरीके से फेल है भाई साहब। और इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ, चाहे अकेले ब्राह्मणों की बात नहीं, अब बेरोजगारी का मुद्दा था वो उठाया था, तो ब्राह्मण तो अकेले बेरोजगार है नहीं, सारी बिरादरियों के बेरोजगार हैं, वो धक्के खा रहे हैं। चाहे वो आर्मी वाले बच्चे हैं, 3 साल से भर्ती नहीं हो रही, चाहे हरियाणा पुलिस वाले हैं, 3 साल से भर्ती नहीं हो रही, कानून व्यवस्था का वैसे भट्ठा गोल हो रहा है, CET के नाम पे 1.5 साल हो गया धक्के खा रहे हैं बच्चे, HTET वाले हैं वो धक्के खा रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है हमारा 10वीं फेल, वो कह रहा है कि वाह वाह कर रहे हैं WHO वाले कि भाई बड़े 5 लाख टैबलेट बांट दिए। अरे 5 लाख टैबलेट ने चलाना कौन सिखाया होगा शिक्षा मंत्री जी? 50,000 टीचरों के वैकेंसी खाली पड़ी है, टीचर दे दे टीचर, वो अपने आप समझा देंगे, आप पढ़ा देंगे, टैबलेट दे के बोले आप, हमने वाई ले ली, कुछ नहीं है भाई साहब। पूरे के पूरे हरियाणा में कोई सा डिपार्टमेंट, हरियाणा पुलिस में 25,000 वैकेंसी, और हमारे जो 10वीं फेल शिक्षा मंत्री है, मैं तो कहूँगा यमुनानगर है ना, यो आप लोग जाके कहना अपनी डिग्री ट्वीट कर दे, 10वीं है, BA है, PhD है। और एक बात और कहूँगा, 50,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी भर दे, मैं शिक्षा मंत्री का चांदी के मुकुट से उनका स्वागत करूँगा, चांदी का मुकुट दूंगा। एक सेकंड, एक दो बात और रहेगी, सारी पार्टी सरकारें कश्मीरी पंडितों पर राजनीति कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कश्मीरी पंडितों को AK-47 दो, अगर कश्मीरी पंडित बचाने हैं तो फिल्म ना चाहिए कश्मीरी पंडिता ने, 47 चाहिए अगर बचाना है तो। सरकार के ग्रह है दूध तो मिलता नहीं भाई साहब 9 बजे, दारू ले लो चाहे रात के 12 बजे, दारू सस्ती दूध महंगा, इसका मतलब क्या है? अगर दारू पियो, दूध पीना छोड़ दो, दारू पियो, अपना आराम से नशे में लौटे रहो, आवाज़ उठाओ मत, बस सरकार तो यही चाह रही है। तो सर युवाओं के साथ जो धोखा किया जा रहा है, कहना वो कैसे धोखा? लड़ेंगे ना युवाओं को, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, घर बैठे रहोगे तो तुम्हारे परमानेंट घर बैठा देंगे, जब तक सड़क पर नहीं उतरोगे, सड़क पर उतरोगे तो ही सरकार माने। प्रगति रैली में हाल ही में मुख्यमंत्री आए तो हजारों की संख्या में कहा कि हमने 1,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का विकास कार्य किया यमुनानगर में, आप यमुनानगर आए कुछ ऐसा दिखा? भाई रोड रोड तो मैंने बने दिखे को ना, कोई साफ सफाई भी मैंने कुछ ना दिखी, 1,000 रुपये खा गए होंगे ये, 1,014 करोड़ खा गए होंगे, 14 करोड़ लाए होंगे, 1,000 खा गए होंगे। ये तो हरियाणा के या यमुनानगर के लोगों को तो पता ही होगा। HSSC के चेयरमैन खत्री साहब हैं और वो कहते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हम लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर फिर भी लीक हो जाते हैं। शिक्षा मंत्री के गाँव के पास वो सूटकेस नहीं देखा? वो सूटकेस में करोड़ों रुपये का खेल चल रहा था, वो कौन चला रहा था? HPSC चला रही है ना। HSSC क्या कर रही है? HSSC बच्चों का पैसा इकट्ठा करके खा रही है। ये टोटल पूरी तरह से फेल है। ये खदरी साहब जो कह रहे हैं ना भाई साहब, हरियाणा में कहीं नौजवान बच्चों का मिल जाओ ना, मुश्किल हो जाएगी, ये पता चल जाएगा अगर ये खदरी साहब हैं। खदरी साहब तो मैंने कहूँ, खदरी साहब भर्ती कर ले बड़कन है, जितनी वैकेंसी है उनका कैलेंडर जारी कर दे सबसे। ये मान लो दलाली का अड्डा है ये HSSC, हरियाणा के बेरोजगारों को परेशान करने का अड्डा है ये HSSC। तो मैं तो इनको यही कहूँगा, अख भाई ये चुपचाप अपने जाग ऑफिस में बैठ जाए, चुपचाप बाहर आ जाए,
बड़का मजाक देखो एक बार। शिक्षा मंत्री जी का बयान है कि वो दसवीं पहले उन्होंने भी ये की हुई है और ये लोकतंत्र के अधिकार के जरिए मंत्री बने हैं, तो लोकतंत्र एक मिनट पहली अधिकार है आपको उन्होंने बताइए बी ए, अगर जब उसने बी ए कर रखी है 1,00,000 रुपया नाम इब बात करो फोन पे 1,00,000 रुपया नाम दूंगा यमुना नगर जानते पहले दे के जाऊंगा अगर उन्होंने बी ए कर रखी है तो एक बात। दूसरी बात उनको लोकतांत्रिक अधिकार है, ठीक है भाई दसवीं फैल भी मंत्री बन जाए कोई बात नहीं, मैंने को PhD की मैं डिग्री ले रहा हूँ वह दे दूंगा उनने और डॉक्टर लगाना शुरू करवा दें कोई प्रॉब्लम नहीं, चांदी का मुकुट दे दूंगा 50,000 वैकेंसियाँ उनने भर दे, फिर अगर उनके ऊपर फाउंडेशन नहीं है तो सरपंचों पर क्यों है भाई, सरपंच निगम पार्षद और हैं मेम्बर अकी ये दसवीं फैल होना चाहिए 12वीं फैल होना चाहिए क्यों होना चाहिए, अगर सरपंच दसवीं पास होना चाहिए तो फिर MLA भी तो होना चाहिए बी ए पास, MP का भी क्राइटेरिया होना चाहिए, मंत्री मुख्यमंत्री सब का होना चाहिए फिर मैं तो यही तक हूँ। तो सर हरियाणा में दिन प्रतिदिन क्राइम जो बढ़ता जा रहा है इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? न्यू पटा क्राइम तो है भर्ती करते नहीं बड़काने, बेरोजगारी इतने हो रहे हैं, नशा चल लगा नशा करके क्राइम करेंगे भर्ती क्यों नहीं करते, पुलिस वाले के कितने मेरे 100 पुलिस वाले जानकार हैं वे न्यू कहें स्टाफ पे कौन है भाई साहब क्या करें बताऊँ, अब स्टाफ नहीं होगा वो VIP ड्यूटी अमीन का स्टाफ लगा रहेगा जनता मरोगी। तो नवीन जी आपने कहा ब्राह्मणों की जमीन है पर लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे थे हम उन्हें दे चुके हैं। अरे दे दिया ये कागज है भाई साहब मैंने ले रहा हूँ, इस कागज में क्या पता है, इस कागज में है आप थोड़ा क्लोज करोगे तो 8,86,00,000 रुपये दे दो, ध्यान से पढ़ो जमीन तुम्हारी है और जमीन वो क्यों कर लेगा सरकार की इतनी मत थोड़ी, लेकिन ये 8 करोड़ मांगा है ब्याज के 8.5 मतलब 8,86,00,000 8-8 भी ना दवाएँ और जमीन लेंगे और बताओ। तो सर हरियाणा में जो महंगाई है महंगाई क्या सी वहाँ पर उसके बारे में क्या कहते हैं? भैया हरियाणा में महंगाई इसलिए है कि इतना भ्रष्टाचार है, रुपये खाना लग रहे हैं लोगों को, हर तरीके से इन्होंने परेशान कर रखा है, रोटियां के लाले पड़े हैं, वो एक ने सुनी थी आपने एक वो मंत्री ने कही थी JP Dalal कृषि मंत्री ने, वो बोला सरकारी नौकरियाँ पीछे क्यों भागो, बोला मेरे पास सिफारिश आवा नौकरी लगवा दो 4,000 में बहू ले आवेंगे राजस्थान, तो सुना था आपने वो, अरे 4,000 में बहू मिलती हो तो अपने मुख्यमंत्री तो ही लाओ यार 4,000 में 8,000 मेरे तो ले लो अपने गृह मंत्री तो ले लिया हो क्या प्रॉब्लम है, इनका पीछे जो अध्यक्ष था धनखड़ साहब वो क्या करते अगर सरकार बनवा दो ब्याह करवा देंगे कुछ ना करवा ये। आप हमेशा अपने साथ ये फरसा रखते अपने साथ रखें यार, दादा भगवान परशुराम का है रखेंगे क्या प्रॉब्लम है, ये तो बचाव के लिए न्याय के लिए है, किसी को मारने के लिए थोड़ी है, बचाने के लिए है।